अस्सलाम वालेकुम, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बनाने आए हैं बिल्कुल नई रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आता है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट की रेसिपी, जो कि हम बनाने जा रहे हैं वेज कटलेट की रेसिपी, जैसे कि रेलवे में मिलती है। हम कहीं भी सफ़र करते हैं तो हम ज़रूर उसे ट्राई करते हैं, रेलवे की कटलेट रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं आज हम इसे किस तरह बनाते हैं घर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है कुछ बीन्स, एक प्याज, दो गाजर, एक बीट रूट, लहसुन की कुछ कलियाँ, धनिया, हरा धनिया और अदरक का छोटा सा पीस और कुछ हरी मिर्च। और उसके बाद यहाँ पे हमने दो आलू लिया है, उसे भी हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है पहले। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाला का पाउडर, जिसे हमने घर पर ही बनाया है। नमक स्वाद अनुसार ले। मैदे का घोल बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो चम्मच मैदा लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है ब्रेड क्रम, ये आसानी से आपको घर में मिल जाएगा। आपका जो ब्रेड का कॉर्नर होता है, आप उसी से ब्रेड क्रम बनाकर घर पर रख ले और कोई भी डिश बनाए तो इसका यूज करे, अगर जिसमें यूज होता है। तो चलिए हम पहले इसे बनाने के लिए रेडी करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने सारी सब्जियों को सबसे पहले कट कर लेना है। सारी सब्जियां अच्छे से धोकर हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस में चलते हैं। आप इसे बारीक चॉप करें या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लें, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आप चाहे जिससे भी कर ले, टेस्ट तो एक ही आना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सारी सब्जियों को ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। हमने यहाँ पर बीट रूट, जो कि रेलवे स्टाइल वेज कटलेट बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसका जो टेक्सचर हो बिल्कुल रेलवे की तरह हो, रेलवे जैसा रेलवे का मेस पे मिलता है उसी तरह हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बस इतने ही सब्जी लिया। आप चाहे तो और भी सब्जियां हैं जो आपको पसंद है, वो इस पे ले सकते हैं। तो देखिए, यह सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है और इसे रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है नींबू, एक नींबू ले लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक नींबू, जो नींबू का रस बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो आप वेज कटलेट में डालिए। तो चलिए इसके आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने पैन को गैस पर चढ़ा दिया वेज कटलेट बनाने के लिए। तो इसके बाद जब पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पैन जो गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें जो हमारा ऑयल लेना है उसे डाल देंगे। तो चलिए, एक चम्मच जो हमारा ऑयल यहाँ पे ले रहे हैं, इसे हम डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह ऑयल को हमें गरम होने देना है। उसके बाद जो हमने इसमें बारीक अदरक लहसुन कटा हुआ लिया है, उसे हम डालेंगे। तो हमारा तेल जो बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम अदरक लहसुन जो बारीक काट कर रखे थे उसे डाल देंगे। तो इसे हल्का लाल होने देंगे। बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्चा जो हमने बारीक काट के रखा था, उसे भी हमने साथ में डाल दिया है। तो इसे हल्का फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमारा ये अदरक लहसुन मिर्चा हल्का फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद हमें प्याज जो हमने बारीक चॉप करके रखा है उसे डालेंगे। प्याज को हमें हल्का पिंकिश कलर तक फ्राई करना है, तो इसे हम पहले फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए, यहाँ जो हमारा अदरक लहसुन हल्का फ्राई हो चुका है, तो अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, हमें सारा प्याज जो काट के रखा उसे डालना है।
जैसे हमने डाल दिया प्याज को, इसे भी हल्का पिंकिश कलर तक फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्याज हमारा है वो बिल्कुल अच्छे से पिंकिश कलर में हो चुका है। तो उसके बाद हमें इसमें डालना है जो हमने ग्रेट करके सारा सब्जियां रखा था, गाजर, बीट रूट और बीन्स को एक एक करके सारी सब्जियां इसमें डाल दें। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी सब्जियां डाल दिया है। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे, मिक्स कर दें इसे अच्छे से। और इसके बाद जो हमने सारा मसाला, नमक वगैरह लिया है वो सब हमें इसमें डालना है। तो आप नमक जो है बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, आप जैसा नमक पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नमक डाल दे रहे हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार नमक डालें। तो इसे अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए क्या शानदार इसमें कलर आया है, इस सब्जियों का सारा का अच्छे से मिलाने के बाद कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है और सारा एकदम पिंक पिंक कलर का हो चुका है। तो हमारा रेलवे स्टाइल वेज कटलेट इसी तरह दिखता है, उसका जो अंदर का फिलिंग रहता है आलू का बिल्कुल इसी तरह लगता है। तो चलिए अब हम इसके आगे के प्रोसेस में चलते हैं। इसे हमने सब्जियों को अच्छी तरह पहले पका लेना है ताकि जो हमारा सब्जियों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा सब्जियों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल पिंक कलर में आ चुका है। तो उसके बाद हमने आलू जो लिया है और सारा मसाला लिया है उसे भी एक एक करके हम इसमें मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अदरक, धनिया और हरी लाल मिर्च पाउडर लिया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें अच्छे से इसे चला देना है। इसे अच्छे से हम चला देंगे। उसके बाद हम गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल रेलवे स्टाइल इसका स्मेल करेगा और खाने में बिल्कुल वैसे ही लगेगा। इसके बाद हमने नींबू का रस जो लिया है उसे भी हम डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा लगेगा हमारा वेज कटलेट का। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे मसाले को अच्छी तरह मिला दिया। उसके बाद हमने आलू को हल्के हाथों से मैश कर दिया है। आलू को हल्के हाथों से मैश करके इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह मिला लेना है। तो इसे भी हमें अच्छी तरह मिक्स कर ले सारी सब्जियों में। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और ये हमारा जो आलू का स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे पैन से अलग हो रहा है, पैन से हमारा अलग हो रहा है और पैन को अच्छे से छोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पैन से अलग हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा स्टफिंग आलू का। तो उसके बाद हमें इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दे और ये बिल्कुल रेडी है हमारा वेज कटलेट बनाने के लिए। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने देंगे इसे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्ब जो लिया है हमें उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आलू का फिलिंग जो है वो बिल्कुल बनकर अच्छी तरह रेडी हो चुका है। इसे हमने ठंडा कर लिया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब हमने लिया था वीडियो के शुरुआत में, इसे भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का आलू का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्ब लिया था उसे हमें 4 चम्मच लगभग इसमें डालना है और इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये अच्छा सा हाथ में उसका शेप बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप इसमें ब्रेड क्रम्ब डालने का ये फायदा है आपका कि जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे वेज कटलेट को तो ये अच्छे से टूटेगा नहीं, बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई होगा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, वो आपके पास आसानी से अवेलेबल होगा। तो
अगर नहीं है तो किसी भी लोकल स्टोर में वो आपको अच्छी तरह मिल जाएगा, तो आप उसे जाके परचेज करें और अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी वेज कटलेट अपने घरों में ट्राई करें और सभी को खिलाएं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो ब्रेड क्रम हमने लिया था, लगभग इसे आप अपने हिसाब से डालें, अपने जो मिक्सचर का कंसिस्टेंसी इसे चेक करके डालें ताकि ये अच्छा सा बन रहा है या नहीं बन रहा है, हाथ में अच्छा सा शेप आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसका कंसिस्टेंसी चेक करें। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसका बैंडिंग चेक कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से बैंड हो रहा है या नहीं, इसका जो फीलिंग है वो अच्छे से हाथ में बन रहा है या नहीं, ये टूट तो नहीं रहा। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। तो देखिए इसका जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी तरह आ रहा है, तो इसे हम इसी तरह बनाएंगे। और हमने इसी तरह आ रहा है, ये टूट रहा नहीं है। उसके बाद जो हमने मैदे लिया था, मैदा का घोल हमने इसे बनाकर अच्छी तरह रेडी कर लिया है इसे फ्राई करने के लिए। इसमें हमने एक चुटकी नमक डालकर घोला है अच्छे से, ताकि इसका भी टेस्ट जो हमने अपने वेज कटलेट के साथ फ्राई करें तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारा वेज कटलेट को इस तरह बनाकर रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैदे का प्यूरी भी बनाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। तो आप इसमें डालने से पहले एक बार इसे अच्छे से चला दे, ताकि जो मैदा हमारा होता है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से कोटिंग नहीं लग पाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम लिया है, जो इससे भी हमें कोटिंग करना है। तो चलिए एक एक करके अब हम इसमें सारा इसे कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आलू का जो फिलिंग है उसको इसमें हमें मैदे के कोटिंग में डालना है। उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम के कोटिंग में डालना है। तो देखिए इस तरह हमें इसमें डालकर अच्छी तरह कोट कर लेना है। इसी तरह अच्छी तरह सारी चीजों सारे को हमें अच्छी तरह कोट कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह कोटिंग हमने कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है। तो इसे अब हम सारे को हम इसी तरह बना लेते हैं, उसके बाद आप सभी को एक बारी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 पीसेस को इस तरह बना लिया है, इस तरह हमने बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इस तरह बनाकर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसे आराम से किसी भी टाइम बिल्कुल झटपट इसे फ्राई करके आप इंजॉय कर सकते हैं, और अपने मेहमान आए तो आप इसे मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है इसे, तो अब हमें इसे डीप फ्राई करने के लिए इसके प्रोसेस में आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लोहे का कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो उसके बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कढ़ाई में जो ऑयल हमारा उसे डाल दिया है। उसके बाद हमें इसे ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना है, उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा जो हमने मैदा का घोल बनाया उसे डालकर इसमें चेक कर लेंगे, ताकि अच्छे से ऑयल गर्म हुआ है नहीं। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक ही बार में जो हमने घोल डाला है मैदे का वो अच्छी तरह बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल अच्छी तरह गर्म है। तो अब एक एक करके हम इसमें हमारा जो वेज कटलेट है इसे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने वेज कटलेट को जो हमारा डाल दिया ऑयल में, ये बिल्कुल ऑयल अच्छे से गर्म है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करना है, ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पीनेस मेंटेन करके रखे। तो इसे हमने डीप फ्राई इसी तरह करते रहना है और हल्का हल्के हाथों से अपने अलट पलट करते रहना है, ताकि जो हमारा सब तरफ से एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस हो जाए हमारा वेज कटलेट। तो देखा आपने, ये बिल्कुल भी चूर नहीं हुआ है, कहीं से भी टूटा नहीं है, अलग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने सारा क्वांटिटी है जो ब्रेड क्रम का वो बिल्कुल अच्छे से लिया था और सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से हमने सब चीज़ किया था। तो इसी तरह आप भी अपने घरों में बनाए
और सभी को खिलाए। तो देखिए हमारा जो वेटकर कटलेट है वो बिल्कुल अच्छी तरह डीप फ्राई हो रहा है और बिल्कुल अच्छा सा कलर ले रहा है। तो इसे हल्के हल्के हाथों से इसी तरह चलाते रहे ताकि एक साइड ज़्यादा ना जल जाए। तो इसी तरह हम इसमें आप सभी को फ्राई करके दिखाते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तब आप सभी को प्लेटिंग करके इस तरह दिखाते हैं। तो देखा आपने हमारा वेज कटलेट जो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल घर में मज़ेदार सा वेज कटलेट का रेसिपी बनकर रेडी है। वेज कटलेट हमारा रेलवे जैसा बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर है। तो आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं, एक बार इसका साउंड चेक करिए कितना क्रिस्पी बना है। तो इसका साउंड आप सुन सकते हैं, एक नहीं सारे का साउंड इसी तरह आएगा क्योंकि सारा हमारा जो वेज कटलेट है बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह की रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, शाम के नाश्ते के लिए आप ज़रूर अपने घरों में बनाएं, अगर मेहमान आए कोई तो उसे उन्हें भी खिलाएं और इंजॉय करें और सब कोई तारीफें लूटें। तो आप देख सकते हैं कितना ही टेस्टी ये बनकर रेडी हुआ है हमारा वेज कटलेट। तो अब इसे हम आपको काट करके भी दिखा देते हैं, बीच से तोड़ करके ये कैसा बना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल रेलवे स्टाइल हमारा वेज कटलेट बनकर रेडी है, बिल्कुल होटल जैसा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इसे होटल में बनाया है या घर पर बनाया है। तो आप इस तरह हमारे रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो मेरे चैनल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे साथ इसी तरह आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।